स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी आयुष मंत्रालय, डी बी और सी दोनों। आंसर सी आयुष मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 EMRS में 6 से 12 कक्षा में नामांकित 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को कवर करना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ कांत, बी ए एस राजीव, सी आलोक कुमार सिन्हा, डी अभिषेक बैनर्जी। आंसर बी ए एस राजीव। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ए एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र KMD और CEO है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए कोलंबो, बी दुबई, सी ढाका, डी काठमांडू। आंसर ए कोलंबो। एक्सप्लेनेशन, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम से खेलते हैं? ए राजस्थान रॉयल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी दिल्ली कैपिटल्स, डी गुजरात टाइटंस। आंसर डी गुजरात टाइटंस। एक्सप्लेनेशन, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण IPL से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद शमी को IPL 2022 मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। मोहम्मद शमी ने 2022 में 20 विकेट और IPL 2023 में और भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न, किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT वाराणसी, सी IIT मुंबई, डी IIT दिल्ली। आंसर ए IIT गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। ये ट्रेनिंग सेंटर RC हॉबीटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रांड एडुराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया।